Hi friends, welcome to my channel VVP Education. Friends, as you can see, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं how to find the square of any two digit number. जी हाँ friend, आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए square find करने के mind blowing trick. But friend, इस trick को मैंने 3 part में division किया है. क्यों? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. लेकिन वो partition क्या है, वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम find करेंगे ऐसे two digit number के square जिसका ending zero से हो रहा है. यानी कि जो नंबर है उसमें लास्ट डिजिट जीरो हो. उसके बाद हम फाइंड करेंगे ऐसे नंबर के स्क्वायर जिसमें लास्ट डिजिट 5 हो. एंड उनके बाद लास्ट में हम फाइंड करेंगे कोई भी नंबर हो, कोई भी टू डिजिट नंबर हो, उनका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं. सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. बट फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो वीवीपी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. एंड उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द फन. सो फ्रेंड, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर एंडिंग विद जीरो. बट उससे पहले स्क्वायर दैट मीन्स वर्ड कि आपके पास कोई भी नंबर है उसको उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई करना. यानी कि सपोज यहाँ पे 80 है तो मैं 80 को वापस 80 से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर. दैट मीन्स कि स्क्वायर आप दो नंबर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हो. लेकिन जब नंबर छोटा होगा तो वो ईजी रहेगा, लेकिन जैसे ही नंबर बड़ा होता जाएगा मल्टीप्लीकेशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा. ठीक है. सो यहाँ पे ट्रिक आपके लिए है जिससे आप कम टाइम में स्क्वायर फाइंड कर सकते हो. सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडिंग विथ जीरो. यानी कि कोई भी नंबर है उसमें लास्ट डिजिट जीरो है तो हम कैसे फाइंड करेंगे. तो देखो फ्रेंड्स, आपको 1 to 10 यानी कि 1 से 10 तक का जो नंबर है उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करना है वो तो क्लियर ही होगा, एकदम इजी ही है. सबसे पहले आपको वो क्लियर करना है, अगर आपका वो क्लियर नहीं है तो, क्योंकि उन्हीं का ही यूज हम यहाँ पे करेंगे. एंड फ्रेंड, सपोज आपको 1 to 20 या 1 to 30 का स्क्वायर आता है तो ये ट्रिक आपके लिए और भी इजी हो जाएगी. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है 40 स्क्वायर. ओके, सो 40 है उसमें हम अभी जीरो कंसिडर नहीं करेंगे तो नंबर कौन सा बचेगा, 4. एंड 4 का स्क्वायर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16. 4 4 16. अब देखो स्क्वायर में पावर कितनी होती है, 2. तो यहाँ पे 0 को हम कितनी टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स. यानी कि 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600. क्लियर फ्रेंड. नाउ नेक्स्ट वन इज 60 स्क्वायर. सो हमें यहाँ पे क्या करना है, जीरो कंसीडर नहीं करना है, जस्ट नंबर 6 कंसीडर करना है. तो 6 का स्क्वायर होगा 36. एंड जीरोस को कितनी टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स. तो ये हो गया हमारा 60 का स्क्वायर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज 70 स्क्वायर. तो 7 का स्क्वायर होगा 49 एंड 2 टाइम्स 0. सो 4900 इज अ स्क्वायर ऑफ 70. क्लियर. नाउ 80 स्क्वायर हम फाइंड करेंगे. 8 इट्स 64 एंड 2 टाइम्स 0. सो 6400 इज अ स्क्वायर ऑफ 80. अब आगे के नंबर अभी तक तो आपने कर ही लिए होंगे. 20 स्क्वायर, 2 2 4, सो 400 होगा इसका स्क्वायर. एंड 30 स्क्वायर, तो 3 3 कितना होगा, 9. एंड 2 टाइम्स 0, सो 900 इज अ स्क्वायर ऑफ 30. क्लियर. सिंपल था. सिंपल आपको क्या करना है, लास्ट में अगर 0 आ रहे हैं तो उनको पहले कंसीडर नहीं करना है, जो भी नंबर बच रहा है उनका स्क्वायर हमें फाइंड करना है. उनके बाद 2 टाइम्स 0 हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उनका स्क्वायर. अब हम देखते हैं कि अगर लास्ट में हमारे पास 5 है तो हम कैसे फाइंड करेंगे. फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो जितने भी नंबर है उसमें लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 5. यानी कि ऐसे नंबर जिसमें लास्ट डिजिट हमारे पास 5 हो तो उनका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे. तो सिंपल है फ्रेंड. सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट यहाँ पे क्या है, 5. एंड 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25. तो वो हमें यहाँ पे एज इट इज लिख देना है. उनके बाद हमें क्या करना है, आगे का डिजिट देखना है, 3. एंड 3 के तुरंत बाद कौन आता है, यानी कि 3 में हम प्लस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4. यानी कि 3 एंड 4 है उसका हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन. सो 4 3 होगा 12. एंड उनको क्या करना है, 25 के आगे लिख देना है. सो 1225 इज अ स्क्वायर ऑफ 35. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन देखो, 75 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है. तो जैसे आगे बोला वैसे ही लास्ट डिजिट 25, लास्ट डिजिट 5 है सो उसका स्क्वायर होगा 25. अब 7, उनके तुरंत बाद कौन सा नंबर होगा, 8. एंड 7 8 का कितना होगा, 56. तो ये हो गया 75 का स्क्वायर. क्लियर. नाउ 95 स्क्वायर.
अगेन लास्ट डिजिट 5, सो 5 का स्क्वायर होगा 25, जो हमने लिख दिया। इन 9 के बाद कौन आता है? 10, सो 9 10 जा होगा हमारा 90, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 95 का स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट वन इज 15, सो लास्ट वन इज 5, सो 25 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब 1 के बाद होगा 2, सो 2 बन जा 2, सो 225 इज अ स्क्वायर ऑफ 15। अब आगे का नंबर का स्क्वायर को आपने फाइंड कर ही लिया होगा, फटाफट से आप कमेंट में बताइए कि इन दोनों का आंसर क्या होता है। सो 65 का स्क्वायर हम फाइंड करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 के बाद 7, एंड 7 6 जा 42। नाउ 45 स्क्वायर इज 25 एंड 4 5 जा 20। तो ये हो गया हमारा ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसमें लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पे हमारे पास कौन हो? 5। सिंपल ट्रिक है, आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले तो जो लास्ट डिजिट 5 है उनका स्क्वायर तो आपको लास्ट में लिख ही देने हैं। उनके बाद जो आगे के नंबर्स है उनका क्या करना है? सक्सेसर फाइंड करना है, यानी कि आगे का नंबर है उनके तुरंत बाद जो नंबर आ रहा है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके 25 के आगे हमें लिख देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? इन सब का स्क्वायर। क्लियर? अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट में लास्ट डिजिट 0 था, यहाँ पे 5 था। अब इनके अलावा कोई भी नंबर हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं उसमें लास्ट डिजिट ना तो 0 है ना तो 5 है, तो अब इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें जस्ट 3 इजी स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले देखो, मैंने छोटा सा नंबर लिया है 23, उनका स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। सो फ्रेंड यहाँ पे देखो, 23 कौन से दो नंबर से बना है? 2 एंड 3, एंड 2 एंड 3 का स्क्वायर तो आपको आता ही है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 का स्क्वायर हमें लिखना है 2 जा 4, एंड 3 का स्क्वायर हमें लिखना है 3 जा 9। क्लियर? बट आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी नंबर्स आप लिख रहे हो उसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है, यानी कि सिंगल डिजिट हमें नहीं लिखना है। तो 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है तो हम आगे क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे। सो 04 एंड 09। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है, तो यहाँ पे जो भी नंबर है ये दो एंड ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई स्क्वेयर का जो 2 है वो। क्लियर? ये सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 2 6 एंड 6 2 12। इस जो 12 को हम क्या कहाँ पे ऐड करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है उसको एज इट इज छोड़ देना है, एंड 2 है वो उनके आगे के डिजिट में रखना है उसके एग्जिट नीचे, एंड 1 यहाँ पे। अब इस सब का हम क्या करेंगे, एडिशन। तो देखो 9 एज इट इज, 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 1 5, एंड ये 0 तो हमारा एज इट इज है ही। अब 0 आगे रखो ना रखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स वॉट कि 23 का स्क्वायर होगा 5 2 9। क्लियर? अब एक और एग्जांपल देखो फ्रेंड, 5 6, 56 का स्क्वायर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो 5 एंड 6 ये दो नंबर से हमारा 56 बना है। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 6 का स्क्वायर 36। क्लियर? 5 का स्क्वायर हमने यहाँ पे फाइंड किया है, 6 का स्क्वायर हमने यहाँ पे फाइंड किया है। अब ये जो तीनों नंबर है 5 6 एंड जो ये स्क्वायर का 2 है वो, ये सबका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। 6 5 30, 32 60। अब लास्ट डिजिट को हमें छोड़ देना है एंड 60 को इस तरह हमें लिखना है। क्लियर? खास ध्यान रखना, लास्ट डिजिट है उनको हमें छोड़ देना है, उसके आगे के डिजिट के नीचे हमारा जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आया है उसका लास्ट डिजिट हमें रखना है। क्लियर? अब इसका हम एडिशन करेंगे, सो 6 3 प्लस 0 3, 6 प्लस 5 11, 1 2 प्लस 1 3। सो 56 उसका स्क्वायर हमें क्या मिला, 3 1 3 6, दैट्स इट। सिंपल, आपको 3 स्टेप कम्प्लीटली फॉलो करने हैं। क्लियर? एक भी स्टेप मिसिंग हुआ तो क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। नाउ 71 स्क्वायर, तो देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। क्लियर? एंड 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, लेकिन याद रखना है 2 डिजिट फॉर्म में ही हमें लिखना है, सो 01। अब यहाँ पे जो नंबर है 7 1 एंड 2, उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। सो 14 को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, 1 4 9 प्लस 1 10 एंड 4 प्लस 1 5। सो 71 का स्क्वायर हो गया हमारा 5 0 4 1। क्लियर? एकदम इजी ट्रिक है ना फ्रेंड्स। अब लास्ट वन देखो, 96 स्क्वायर। अब इसमें भी हमें सेम ट्रिक फॉलो करनी है, 9 का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, 9 9 जा 81, 6 का स्क्वायर होगा 36। अब 9 मल्टीप्लाई 6
multiply 2. 9 6 are 54 and 54 2 108. भले ही यहाँ पे 3 डिजिट नंबर हो, हमें ट्रिक फॉलो करनी है, स्टेप फॉलो करना है, यानी कि लास्ट डिजिट को हम एज इट इज रखेंगे. यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा हमारा 1. क्लियर? अब इस सब का हम एडिशन करेंगे. 6 हमारा एज इट इज, 8 प्लस 3 11, कैरी होगी 1, 2, 1 प्लस 1 2 एंड 8 प्लस 1 9. सो 96 का स्क्वेयर हमें क्या मिलेगा? 9216. क्लियर फ्रेंड? सो ये है हमारी कोई भी टू डिजिट नंबर है उसका स्क्वेयर कैसे फाइंड करना है उसकी ट्रिक. फ्रेंड ट्रिक तीनों की तीनों एकदम आसान है. जीरो, लास्ट डिजिट जीरो हो, लास्ट डिजिट फाइव हो, या फिर कोई भी टू डिजिट नंबर हो उसमें थ्री स्टेप फॉलो करके आपको फाइंड करना है. क्लियर फ्रेंड? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. फ्रेंड्स ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा. अगर पसंद आई है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड VVP एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.